सभी को मिलेगा सीएससी आईडी और सीएससी के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान हो चुका है। सीएससी आईडी लेने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको सीएससी आईडी लेने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और आप सीएससी आईडी नए माध्यम से ले सकते हैं, नए अपडेट के माध्यम से ले सकते हैं, नई लिंक के माध्यम से ले सकते हैं, नई जानकारी के माध्यम से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट लिंक, यहां से आप अगर क्लिक करके सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सीएससी आईडी जो है वो तुरंत मिल जाता है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सीएससी आईडी सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कैसे लेनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और इनमें से कौन लोगों को सीएससी आईडी मिलेगा और कैसे मिलेगा और अप्लाई कैसे करना है, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप इनमें से जैसे कि आप सीएससी एम्प्लॉय नहीं है तो अब आपको सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, जैसे आपके पास एनजीओ नहीं है तब आपके पास सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, जैसे कि आपके पास ऊर्जा देवी का आईडी नहीं है तब आपके पास सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, एपीएस अगर आपके पास नहीं है तो सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, एनजीओ नहीं है तो सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी यहाँ पे हम देने वाले हैं कि अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ से डायरेक्ट आप सीएससी बीएलई बन सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान हो चुका है और इसके बाद आप सीएससी आईडी लेंगे और सीएससी आईडी में क्या क्या काम मिलता है ये भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या काम मिलेगा, तो सर्विस में जाएंगे तो यहाँ पे इंडिया में जितने भी सर्विस होते हैं वो सभी सर्विस अब आपको सीएससी आईडी में देखने को मिलती है। इसलिए सभी लोगों को सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो सीएससी आईडी होता है, क्योंकि आईडी में अगर सबसे टॉप सर्विस देखा जाए तो यहाँ पे आपको आधार का काम मिल जाता है, यहाँ पे आपको मतलब बैंक खोलने का काम मिल जाता है, यहाँ पे आपको आयुष्मान भारत का काम मिल जाता है, रेलवे का एजेंट आईडी बन सकते हैं, यहाँ से आप मतलब आईआईपी आईपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी ले सकते हैं, यहाँ से जितने भी आईडी होते हैं जितने भी सर्विस होते हैं वो सभी सर्विस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सर्विस की बात करें तो लगभग यहाँ पे 1 से 2 हजार सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं कितनी सर्विस है, यहाँ से बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीफोन रिचार्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फास्टैग का काम कर सकते हैं, यहाँ पे नेट का काम कर सकते हैं, गैस का बिल पेमेंट कर सकते हैं, हेल्थ में आप यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रेवल में टिकट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी है उनका मतलब फी पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पे दी गई है, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीएससी आईडी लेना जरूरी होता है और यहाँ पे क्या क्या सर्विस आपको मिल जाएगी और उसके साथ ही आप यहाँ पे सीएससी आईडी तुरंत कैसे लेंगे 5 से 10 मिनट में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए तभी जाके आपके पास सीएससी आईडी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सीएससी बीएलई पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे टीसी नंबर मांगा जाता है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाता है और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो होता है सबसे जरूरी वो होता है टीसी नंबर। टीसी नंबर कैसे मिलता है तो आपको पता होगा, टीसी नंबर के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन अब आपको एग्जाम देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बिना टीसी नंबर के भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम फिर से क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना कितना आसान हो चुका है। और सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप एक सीएससी बीएलई बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोसेस के माध्यम से अब आपको सीएससी आईडी मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए न्यू प्रोसेस के माध्यम से अब आपको सीएससी आईडी मिलेगी, ठीक है। और जो सीएससी आईडी आपको मिलेगा वो सीएससी आईडी कितने दिन में मिलेगा ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये भी दिखा देते हैं कि आपको ये मतलब आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि सही में सीएससी आईडी जो न्यू प्रोसेस के माध्यम से जो है वो हमें सीएससी आईडी कितने टाइम में मिलेगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है करेंट मंथ, ठीक है। तो करेंट मंथ में अब आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी। इसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अगर आपको 1 महीने के अंदर सीएससी आईडी चाहिए इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, और 5 से 10 मिनट में अगर आपको सीएससी आईडी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे अगर 1 महीने के अंदर मतलब इसी मंथ में अगर सीएससी आईडी हमें चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा देर लोडिंग लेता है। उसके बाद register.csc.government.in वाले साइट पे आप आ जाएंगे। आने के बाद
यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे सीएससी बीएलई है, ठीक है। जब सीएससी बीएलई क्लिक करेंगे तो यहां पे आपसे टीसी नंबर मांगता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप यहां पे एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, अगर आपके पास एनजीओ का आईडी है तब आपको यहां पे कोई भी टीसी नंबर नहीं मांगा जाता है। अब दोस्तों यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हमारे पास यहां पे एनजीओ का आईडी नहीं है तब हम अब यहां पे सीएससी आईडी कैसे लेंगे, तो इसके लिए यहां पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे प्राइवेट बैंकिंग का एक ऑप्शन मिलता है, प्राइवेट बैंकिंग के माध्यम से आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। प्राइवेट बैंकिंग में आपको पता होगा कौन कौन से बैंक है जो प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक के आईडी अगर आपने सीएसपी खोला है तब आपको सीएससी आईडी लेना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपने सीएसपी खोला है, आपको पता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, ठीक है, तो सीएसपी अगर आपने खोला है, मिनी ब्रांच बैंक का खोला है, तब आपको यहां पे सीएससी आईडी मिल जाती है। ये प्राइवेट बैंक के लिए है। उसके बाद यहां पे आपको बैंकिंग आईडी के लिए भी है, अगर आपने सरकारी जैसे एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब बैंक लिया है, ठीक है, तो मिनी ब्रांच खोला है तो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अदर एसएचजी, ठीक है, अगर आप प्राइवेट एनजीओ में काम करते हैं तो भी आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी, ठीक है। एनयू एलएम एसएचजी, ठीक है, ये भी आपको दिया गया है, इससे भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको एक से दो दिनों में ये सीएससी आईडी मिल जाती है, इसी मंथ में आपको ऐसे करने के बाद सीएससी आईडी मिल जाएगा प्राइवेट बैंक की आईडी से। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक से हमें आईडी मिलेगा या नहीं, हमें यहाँ पे फिनो बैंक से मतलब आईडी मिलेगा या नहीं, आईसीआईसी बैंक का मिनी ब्रांच मैंने खोला है आईडी मिलेगा या नहीं, तो प्राइवेट बैंक यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे प्राइवेट बैंक दिया गया है, तो प्राइवेट बैंकिंग के माध्यम से आप सीएससी आईडी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे नंबर भी दिया गया है जहां पे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, ये आप यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे कि हमें सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको जानकारी भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर पे आप कॉल करके सीएससी आईडी के लिए बात कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 5 से 10 मिनट में आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, और ये सर्विस और आईडी आपको तुरंत 5 से 10 मिनट में मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके आसपास में जितने भी लोग सीएससी सेंटर खोले होंगे, ठीक है, सीएससी आईडी लिए हुए होंगे, चाहे आपके घर में, चाहे परिवार में, चाहे आपके दोस्ती में, बहुत सारे आपके आसपास में सीएससी आईडी जिन्होंने लिया है वो आपके घर के या आपके दोस्त तो जरूर होंगे, चाहे दोस्त के दोस्त भी होंगे, उनसे भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। ये भी आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब आपको कैसे सीएससी आईडी लेना है तो दोस्तों यहां पे बताते हैं। जैसे कि मैंने सीएससी आईडी लिया है, ठीक है, यहां पे दोस्तों देखेंगे, यहां पे नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है यहां पे अकाउंट का, ठीक है, इसमें आपका अकाउंट है, माय प्रोफाइल है, और यहां पे ऑपरेटर है, उसके बाद क्रेडिट है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें क्रेडिट जो क्लिक है, यहां पे हमें तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो एक सीएससी एडमिन जो है वो 3 ऑपरेटर यहां पे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम यहां पे ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो जितने भी सीएससी आईडी में आप काम करते हैं वो सभी काम अब ऑपरेटर को भी मिलता है, ठीक है। ऑपरेटर भी वो सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या काम नहीं कर सकते, तो यूसीएल का काम नहीं कर सकते, जैसे कि आधार का काम आप नहीं कर सकते, उसके बाद जितने भी थम का काम होता है वो काम आप नहीं कर सकते, बाद बाकी जितने भी काम होते हैं वो सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आयुष्मान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आयुष्मान में भी थम का काम होता है, बाद बाकी जितने भी काम होते हैं वो सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ 2 काम छोड़ के, जैसे कि एक आधार का काम और एक यहाँ पे आयुष्मान का काम, ठीक है। अगर आधार का भी काम है तो आसपास में आप आधार कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड की आईडी ले सकते हैं, कैसे लेंगे वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक ऑपरेटर का प्लस का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ऐड ऑपरेटर का, ठीक है, यहीं पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे मेक श्योर टू रीड ऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पे पूरा पढ़ ले कि आप एक नया ऑपरेटर बना रहे हैं उनको क्या क्या काम मिलेगा, ठीक है। तो एड न्यू ऑपरेटर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है, जो भी जिनको भी मतलब आप आईडी दे रहे हैं उनका आधार नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उनका पूरा नाम डाल दीजिए जो उनके आधार कार्ड में है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड में जितना है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर, ये सही में आपको देना है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे तभी आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड होता है, और आपका जो सीएससी आईडी है वो भी आपके ईमेल आईडी पर ही आता है,
तो आपको ईमेल आईडी जो देना है वो एकदम से सही देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको देना है, उसके बाद भी वहां पे भी ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट होता है। यहाँ पे आई ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, आपके आईडी बन जाती है। आईडी बनने के बाद आपको फिर यहाँ पे register.cse.government.in पे आने हैं और यहाँ पे माई अकाउंट में जाना है और आपको जो यहाँ पे ईमेल आईडी आपने दिया है, ठीक है, जो भी ईमेल आईडी दिया है उस पर एक मैसेज आता है सीएससी आईडी का, ठीक है। वो आईडी यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपको आईडी डाल देना है, आईडी नंबर जो भी आपको मिलेगा वो आप यहाँ पे माय अकाउंट पे जाके और यहाँ पे आईडी नंबर डाल देंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैसे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और क्या आपको यहाँ पे करना है, तो फिंगरप्रिंट में आपके पास मंत्रा या मर्फो का कोई डिवाइस होना चाहिए तभी आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा, नहीं तो आपका फिंगरप्रिंट किसी भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। आपका फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे आईडी जो लिए हैं वो आईडी किसी भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको फिंगरप्रिंट की अपडेट करना होगा तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाना होगा, उसके लिए आपको मंत्रा या मर्फो का कोई डिवाइस होना चाहिए, ये यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे आई है बायोग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आपकी आईडी बन जाती है और जितने भी काम होते हैं ना सीएससी आईडी में वो सभी काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जितने भी सर्विस आते हैं वो सभी सर्विस ऐसा ही आपको सीएससी आईडी देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीएससी आईडी में जितने भी काम होते हैं वो सभी मैंने बताया आपके 5 मिनट में कैसे ले सकते हैं और 1 से 2 दिनों में अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे पूरी जानकारी देने की कोशिश किया, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।